तन धरि सुखिया काहू न देखा जो देखा सो दुखिया। कबीर साहब कहते हैं कभी कभी मनुष्य अहंकार के कारण भी दुखी होता है। अंदर ज्यादा अभिमान है, अपने को स्वयं बड़ा मान रखा है, दूसरे आपको बड़ा माने तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन तुम खुद अपने आप को बड़ा मान लो तो बड़ा बुरा हो जाता है। दूसरे सम्मान करें अच्छी बात है, लेकिन तुम सम्मान की ख्वाहिश करो तो बहुत बुरी बात है। सम्मान की चाह अपमान का दुख लाती है, और सम्मान का त्याग सम्मान को लेकर आता है। और दूसरों को जो तुम बांटते हो वो कई गुना तुमको मिलता है, कई गुना मिलता है। जैसे किसी को शक्कर दो और फिर अपनी उंगलियां चाटो तो उंगलियों में भी मिठास आए, और किसी को पिसा हुआ मिर्चा हाथ से भर कर दो फिर उंगलियां चाटो तो मिर्चा की कड़वाहट आएगी, और किसी के ऊपर कीचड़ फेंको फिर उंगलियां चाटो तो मुंह में कीचड़ लगेगा। जो बांटते हो वही टेस्ट तुमको भी मिलता है। सुख बांटने वालों को दुख नहीं मिलता है, उनको भी सुख मिलता है, और दुख देने वालों को कभी सुख नहीं मिलता है, उनको भी दुख ही मिलता है। एक मोटा सरदार 1.5 क्विंटल का वजन, यहां तो बहुत हल्के लोग हैं, अभी 1 क्विंटल भी कोई पार नहीं कर पाया, और ना पार करे तो बड़ी दया है। लेकिन सरदार पंजाब का 1.5 क्विंटल वजन, ठंडी का महीना, किसी स्वेटर की दुकान पर गया, सेठ से बोला स्वेटर लाइए, सेठ ने स्वेटर दिया काउंटर पर, बोले पहन कर देखूं, तो सेठ को संदेह हुआ इतना मोटा सरदार स्वेटर खींच कर पहनेगा, ढीला कर देगा, फिर नहीं खरीदेगा तो कोई बिकेगा भी नहीं, तो क्या करूं, मना करूं तो ग्राहक टूट जाए, और इसको पहना कर टेस्ट कराऊं तो स्वेटर लूज हो जाए, और ना खरीदे तो बेकार हो जाए, तो कुछ ऐसा तरीका निकालूं कि कुछ बात बिगड़ने ना पाए। तो उस सेठ ने कहा स्वेटर पहन कर देखने के 50 रुपये पड़ेंगे। बोले केवल पहन कर देखने के 50 रुपये? बोले हाँ, खरीदो या न खरीदो 50 रुपये पहले जमा करो। उसने सोचा हो सकता 50 रुपये की शर्त लगाऊं, तो ये सेठ विचार किया हो सकता सरदार जी ना पहने चला जाए, मना भी ना करना पड़े। लेकिन सरदार भी मजेदार था, उसने 50 का नोट सेठ को दिया और स्वेटर उठाकर पहन लिया। स्वेटर बहुत टाइट था, खींच खींच कर पहना, बिल्कुल ऐसे कर दिया और फैल गया। सेठ ने पूछा स्वेटर पसंद आया? बोले पसंद तो नहीं है। रंग पसंद है? बोले रंग भी पसंद नहीं। बोले साइज? बोले टाइट ज्यादा है। बोले ऊन? कहा बेकार है। बोले तो निकालो यार, इसको बोरा बना दोगे, क्या इरादा है? उसने कहा निकालना तो चाहता हूं। बोले तो प्रॉब्लम क्या है, निकालो। बोले प्रॉब्लम ये है, पहन कर देखने के 50 रुपये पड़े हैं, तो अब निकलवाना चाहते हो तो इसके 200 रुपये पड़ेंगे। स्वेटर 600-700 का था, सेठ सोच में पड़ गया। सरदार ने कहा खरीदना तो है नहीं, निकलवाना है तो 200 जमा करो, और नहीं निकलवाना तो हम खरीदेंगे नहीं, ऐसे चले जाएंगे पहने पहने। सेठ ने 200 निकाला और जमा किया, कहा लो। सेठ के 200 रुपये लेकर सरदार ने पेंट की जेब में रखा और स्वेटर निकाल कर काउंटर पर डाला और कहा तुम्हारे जैसे चालाक रोज मिलते हैं, हम यही काम करते हैं। दूसरों को ठगोगे तो खुद भी ठगा जाओगे। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले, नेकी का बदला नेक है, बदी का बदला बदी देख ले।
यहाँ आने की बदी दो रास्ते हैं, जरा गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से अपना रास्ता चुन लो, पर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, बुराई कर बुरा होगा। कभी कभी मनुष्य अपने जीवन की सही सेटिंग नहीं कर पाता, इसलिए भी दुखी होता है। कभी कभी जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय भी आपको दुख में ढकेल देता है, इसलिए कोई निर्णय लेना हो बहुत सोच समझ कर निर्णय लीजिए। फैसला सोच समझ कर होना चाहिए। और कभी कभी इंसान अपने स्वभाव के कारण भी दुखी होता है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, किसी से तालमेल नहीं बैठता है, माँ से तकरार, पत्नी से तनाव, बाप से उलझन, भाई से टक्कर, तो समझ लो वो आदमी भी सदैव दुख पाएगा। तालमेल बिठाना सीखो। स्त्रियां साड़ी ऐसी पहनती हैं जो ब्लाउज के कलर में मैच करे, और चूड़ियां ऐसी हैं जो हाथ की कलाई में मैच करे, और घड़ी ऐसी है जो हाथ के त्वचा के रंग में मैच करे, और बाल ऐसे ढंग से सेट करते हैं लोग कि खोपड़ी में मैच करे, पेंट ऐसी पहनते हैं जो बुशर्ट पे मैच करे, जूते ऐसे हैं जो पेंट पे मैच करे, और मोजे ऐसे हैं जो जूतों पे मैच करे, गाड़ी ऐसी है जो फैमिली के साथ मैच करे। सब चीजें तो बना दिया जो मैच हो गई, लेकिन पति पत्नी का स्वभाव ऐसा है कि 30 वर्ष शादी हुई हो चुके हैं, अभी दोनों में मैच नहीं हुआ है, रोज लड़ाई होती है, उसमें भी मैच होना चाहिए। लोगों को अच्छा लगा, क्योंकि सच है, लोग हंस रहे हैं, कूद कूद के हंस रहे हैं। पति पत्नी में मैच हो, पिता पुत्र में मैच हो, भाई भाई में मैच हो। थोड़ी सी छोटी छोटी बातें हैं जिनके कारण आपस में तकरार होती है। थोड़ा गम भी खा लो। गम समान भोजन नहीं, जो कोई गम को खाए, अम्बरीश गम खाई या दुर्वासा बिलवाए। थोड़ा विवेक भी कर लो। दो भाइयों में बंटवारा हो रहा था गुजरात में। छोटा भाई कहता है बंटवारा मैं करूँगा, बड़ा भाई नहीं कर सकता है। बड़े भाई ने कहा तू क्या करेगा, मैं करूँगा। छोटा बोला मैं तुमसे 20 साल छोटा हूँ, मैं करूँगा। बड़ा बोला 20 साल ज्यादा अनुभव है तेरे से, इसलिए मैं बंटवारा करूंगा। बड़े भाई ने कहा मैं बड़ा हूं, मेरे बीच में 4 बहनें हैं, फिर ये 5वें नंबर पर भाई है, छोटा नाना भाई है, छोटा है, अभी इसके मुंह में दूध के दांत है, ये क्या बंटवारा करेगा, मैं कर देता हूं। जितनी संपत्ति है आधी आधी, और हमारे छोटे भाई को थोड़ा सा जमीन हम ज्यादा दे रहे हैं 10%, क्योंकि छोटा है, मेरा लड़ला भाई है, 10% ज्यादा जमीन ले लो। छोटे ने कहा ये बंटवारा मैं नहीं मानूंगा, ये गलत है भाई साहब, मैं करूंगा बंटवारा। क्या करोगे, तुम करो बताओ। उसने कहा देखो तुम 20 साल हमसे बड़े, 20 साल पहले से इस घर में मेहनत कर रहे हो, कमा रहे हो, इस घर की उन्नति तुम्हारे हाथों से हुई, सब कुछ तुम्हारे हाथों से बना, अब तुम्हारा शरीर बूढ़ा होने वाला है, अब तुम कमाने योग्य नहीं रह गए, और मैं अब जवान हुआ हूं, तुम्हारी कमाई में आधा बांट लूं, 10% ज्यादा ले लूं, ये अपराध हो जाएगा। मेरे तो कमाने का वक्त और 20 साल ज्यादा बचा है, पर आपके कमाने का समय चला गया,
आप कमा चुके उसमें हम आधा कैसे ले सकते हैं, इसलिए बंटवारा ऐसे नहीं होना चाहिए। मेरे भाई इसके चार हिस्सा कर दो, तीन हिस्से आप ले लो और चौथा हिस्सा हमको दे दो, हम 20 साल कमा कर वो तीन हिस्से के बराबर बना दो। दोनों भाई गले मिलते हैं। देवरानी जेठानी आश्चर्य में पड़ जाती है कि ये राम लक्ष्मण हैं कौन है। भाई भाई राम लक्ष्मण बनकर ना, राम वनवास चल देते हैं तो लक्ष्मण पीछे पीछे चल देते हैं। वनवास राम का हुआ था, सीता का नहीं, लक्ष्मण का नहीं, लेकिन जिससे प्रेम होता है उसके साथ कांटों पर चलने में भी सुख लगता है, उसके बिना महल भी व्यर्थ है और वो जंगल में रहे तो भी सार्थक है उसके साथ। लक्ष्मण भाई की सेवा में 14 वर्ष वनवास में रात सोते नहीं है, रात में जागने की ड्यूटी करते हैं। राम रात में सो लेते, लक्ष्मण दिन में टाइम निकाल कर थोड़ा आराम कर लेते। सीता जी अपने देवर लक्ष्मण की और राम की दोनों के प्रेम को निभाती है। सीता बनना, सावित्री बनना और शिबरी बनना, मीराबाई बनना, सुप्रणखा मत बनना, हेमा मालिन मत बनना। सीता सती सावित्री बनकर भारत का गौरव ऊंचा करना। लड़कियों में होड़ लगनी चाहिए मीरा बनने की, और प्रवचन भी करना बेटियों, सत्संग भी सुनाओ। ये सब बेटों से भी नम्र निवेदन है, फिल्म के गंदे गीत गाना बंद कर देना, आज से गुरुवर के भजन गाना शुरू कर देना, जीवन चेंज होना चाहिए। ये कान में मोबाइल लगाकर, ईयरफोन लगाकर गंदे गीत चुपके चुपके सुनना, ये जिंदगी में कचड़ा भर के बदबू फैलाना है। इन्हें एक सज्जन से पूछा, ये कान में लगाकर क्यों सुनते हो? बोले आवाज ताकि बाहर ना जाए। तो हमने कहा बाहर जाएगी दूसरे लोग सुन लेंगे, अच्छा है। बोले दूसरों के सुनने वाला नहीं, तो कान में लगा कर सुनते हो। बोले सब कचरा अंदर ही रहना चाहिए, बाहर न बिखरने पाए कान में। ऐसे गंदे गीत मत सुनो, भूल कर कुसंग में भी मत जाओ, अपने घर की शोभा बढ़ाओ। तुम्हारे आचरण ऐसे हो बच्चों कि माता पिता तुमको देख करके मुस्कराएं कि हमारे घर में लगता है कि राम लक्ष्मण कृष्ण पैदा हो गए, हमारे घर में मीराबाई शिबरी बन करके कोई बेटी का जन्म हुआ है। अपने माँ बाप को, भाई को तंग मत करना, कभी कपड़ा के लिए भी लफड़ा ना करना, संतोष का शरबत पी लेना, धैर्य रखना, विषम घड़ियों में घबराना मत, हिम्मत के साथ जिंदगी से संघर्ष करना। स्ट्रगल इज ए लाइफ, जीवन एक संघर्ष। फ्लाइंग इज ए लाइफ, जीवन एक उड़ान है। प्रॉब्लम्स इज ए लाइफ, जीवन एक समस्या भी है, अमृत भी है। संभाल ना पाओ तो जीवन जहर भी है। लाइफ इज पॉइजन, जो जिंदगी को संभाल नहीं पाते हैं उनकी जिंदगी बोझा बन जाती है, और जो जिंदगी संभाल लेते हैं उनकी जिंदगी ही पूजा बन जाती है, पूजा बन जाती है। जीवन को संभालना, सवेरे सोकर उठना, अपने माता पिता के पैर छूकर मस्तक में लगा, कोई संत गुरु मिल जाए उनको भी प्रणाम कर लेना,
सास ससुर का भी सम्मान करना, अपने से जो बड़े हैं उनसे बात मत लड़ाना, प्रत्युत्तर मत देना। ये तुम्हारी जिह्वा चाहती है सबको जवाब दे दूं, लेकिन नहीं, अपने से बड़ों को जवाब ना दो। कभी डांट दें तो हंस करके सुन लेना और हाथ जोड़कर नमस्कार कर लेना। तुम घर में अगर ऐसी परंपरा निर्माण कर लोगे, माँ बाप तो एक दिन विदा हो जाएंगे, सास ससुर चले जाएंगे, तुम स्वयं माँ बाप बनोगे, सास ससुर बनोगे, तो तुम्हारी संतान भी तुम्हारे साथ में यही व्यवहार करेगी। आपका घर स्वर्ग बनेगा, तब जीवन सुखी होगा। कबीर साहब कहते हैं, जिनका विवेक जागृत हो जाता है, जिनके भीतर सद्गुण उत्पन्न होते हैं, जो भक्ति में डुबकी लगाते हैं, जिनको सत्संग प्रिय लगता है, जिनके पास कोई व्यसन की आदत नहीं है, जो संभल संभल कर कदम रखते हैं, उनकी जिंदगी का हर कांटा फूल बन जाता है, हर दुख सुख में बदल जाता है। गांव के बड़े बुजुर्गों का भी आदर रखना, उदंड स्वभाव न बना। बड़े बुजुर्ग जो गांव में हो, पटेल साहब, उनका सम्मान करना। उम्र का भी लिहाजा करना, बहुत ऊंचे उठोगे। मुझे याद है कि जब मैं घर पर था, मेरे द्वार पर कोई गांव का बूढ़ा बुजुर्ग निकलता था तो उसको मैं पांव छू के बिठाता था, आओ बैठो बाबा, हमारे यहाँ बूढ़े को बाबा बोलते, बैठो बाबा, बिठाता था, फिर उससे बातें करता था। मैं किसी जवान के पास बहुत कम बैठता था और अपनी उम्र वालों के साथ तो बिल्कुल मेरा दोस्ती दुश्मनी कुछ नहीं, बस मिल जाओ राम राम, ना मिलो कोई नहीं काम। लेकिन जो बुजुर्ग थे 80 साल के, 90 साल के, 70 साल के, उनको मैं 15-16 साल की उम्र में बिठाता था, उनकी बातें सुनता था और उनकी बातों का, उनकी संगत का ये प्रभाव है कि मैं आज संत बनकर आपको प्रवचन सुना रहा हूं, उन्हीं की कृपा है। वे लोग कोई परम ज्ञानी नहीं थे, लेकिन जब बैठते थे तो चर्चा करते थे। क्या कहते थे, एक मुश्काबाद में आश्रम है, हमारे आश्रम के गांव का नाम मुस्तफाबाद है, पर वो पढ़े लिखे थे नहीं तो मुश्काबाद बोलते थे, उल्टा बोले, मुश्काबाद में आश्रम है, वहाँ गौशाला है, बहुत अच्छी अच्छी गायें हैं, वहाँ श्री क्षमादेव जी रहते हैं, गुरुमन साहब रहते हैं, बड़ा अच्छा आश्रम है, अभी जिले का सबसे टॉप आश्रम है। तो मैं सुनता रहता था, तो मेरे को तो संत होना ही था, तो टॉप में जाऊं, थर्ड में क्यों जाऊं। तो उनसे सुन सुन करके दिमाग में बैठा था उसी टॉप में जाना है, और वहीं मैं गया और वहीं संत बना, क्षमादेव का शिष्य बना, और वहीं से ज्ञान मिला, और उनकी कृपा से मेरे गुरुदेव की इच्छा थी तुम सत्संग करो, उनकी बहुत तीव्र इच्छा थी कि पूरे भारत में नहीं विश्व में बिगुल बजाओ सत्संग का, ये खाना पीना सोना आश्रम में रेस्ट करना ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम निकलो यहां से जाओ। सारा प्रबंध हमारे गुरुवर ने किया और मुझे एक एक बात सिखाई। मैं कभी सोचता हूं अपने गुरु को यहां लाऊं और आपको दर्शन करा दूं। रहने वाले गुरु मुस्तफाबाद के, नाम उनका क्षमा, काम उनका क्षमा, नाम उनका क्षमा, गाइए, काम उनका क्षमा, आज वादा करे और संकल्प लो, आज वादा करें और संकल्प लो, कर्म अच्छे करो जिंदगी के लिए, सब गाइए, कर्म अच्छे करो जिंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंद
जिंदगी के गाते रहिए जिंदगी नगजी राम भाव से गाओ बंदगी जितेंद्र के लिए योगेश प्रेम से गाओ विजय कुमार जिंदगी के रामेश्वर आंजना बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए दर्श गुरु वर दिए भाग मेरे जगे दर्श गुरु वर दिए भाग मेरे जगे सर मेरा झुक गया बंदगी के सब बोलिए सर मेरा झुक बहुत अच्छे हैं आप लोग बंदगी के लिए बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए आत्मा में रखो आत्मा में रखो जिंदगी के लिए आत्मा में रखो जिंदगी के लिए जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए बहुत सुंदर जिंदगी चाहिए धन्यवाद माताओं को आशीर्वाद बहनों को शुभकामना पुरुषों को बंदगी के लिए आज सत्संग में भक्त चर्चा करे आज सत्संग में भक्त चर्चा करे साहेब उपदेश दे जिंदगी के लिए साहेब उपदेश दे जिंदगी के लिए जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए आत्मा में रखो जिंदगी के लिए सब गाइए प्रेम से आत्मा में रखो जिंदगी के लिए सर मेरा झुक गया बंदगी के लिए सर मेरा झुक गया बंदगी के लिए बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए बंदगी चाहिए जिंदगी बहुत सुंदर आत्मा में रखो जिंदगी के लिए आत्मा में रखो जिंदगी के लिए बोलिए सद्गुरु भगवान की जय संत भगवान की जय भक्त भगवान की जय बहुत सुंदर बस थोड़ी देर और अभी दो प्रश्न अधूरे हैं महाराजा धीराज धृतराष्ट्र विदुर जी से पूछ रहे हैं दुनिया में जो लोग उन्नति करना चाहते हैं लक्ष्मी को पाना चाहते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं वो कौन से कारण हैं विदुर जी कहते हैं छह चीज़ें ऐसी इंसान में विकसित होती हैं जिसके कारण इंसान बुद्धिमान है बलवान है फिर भी आगे नहीं बढ़ पाता है ये छह चीज़ें आगे बढ़ने में ब्रेकर बन जाती हैं आज खुलासा कर देता हूँ मैं खड़दोषा पुरुषेड़े हतभ्यम भूत मिच्छिता अति निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता जिसको अति नींद आती है पहला अवगुण है बहुत सोता है
कुंभकर्ण को भी फेल कर देता है। कितने लोग पति पत्नी कंपटीशन पर सोते हैं, सुबह के 8 बज गए, न पति उठ रहा न पत्नी उठ रही, सास ससुर बार बार कमरे के पड़ोस झांकते हैं, कब उठेंगे नालायक। पति कहता आई एम कुंभकर्ण, पत्नी कहती है अरे क्या मैं तुमसे कम हूं, मैं कुंभकर्ण की पत्नी हूं, मैं भी तुमसे 1 घंटे ज्यादा सो सकती। समय पर उठना भी सीखो, जागना सीखो, अधिक सोना कोई बहादुरी का काम नहीं। तादाद से कम सोना ये भी अज्ञानता है, कम से कम 6 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 7 घंटे की गहरी नींद जरूर लेना चाहिए, और फिर इस शरीर से 17 घंटे काम लेना चाहिए जम करके। 6 से 7 घंटे सोइए, 1 घंटे व्यायाम कीजिए, फिर 16 घंटे काम लीजिए इससे। और तंद्रा, दूसरा अवगुण तंद्रा, तंद्रा कहते ऊंघने की आदत। लोकसभा में बैठे थे पूरे देश का डिसीजन लेने के लिए, वहां ऊंघ रहे हैं, जागो। ऐसे ऐसे लोग हैं लेटरिन रूम में भी सो जाते हैं, बहुत खतरनाक लोग हैं। भोजन खाते समय सो जाते हैं, साइकिल चलाते समय ऊंघ जाते हैं, गाड़ी चलाते समय ऊंघ जाते, एक्सीडेंट कर देते। और हर समय ऊंघना किसको आता है, इसका कारण होता है जो जरूरत से ज्यादा भोजन खाता है उसको हर समय ऊंघ लगती है, झपकी ऐसे करता रहेगा, झूम झूम कर मधुम, फूल चूम कर मधुम, गा रहे बिहान थे, गूंज रहे गान थे, सो रहे मकान थे। भूख से थोड़ा कम खाना, यही मेरा निवेदन है। अगर इतने लोग भूख से कम खा ले, मेरे लिए थोड़ा दया कर देना। 1-1 रोटी कम खाओ सुबह शाम, तो 2 रोटी बची, और 2 रोटी ये अगर 8,000 लोग 2 रोटी कम कर दें, 1 रोटी 2 रुपये की, 2 रोटी 4 रुपये की, तो 8×32 कितना हो गया बताओ, 8,000 को 4 से गुणा करो, 32 हुआ, 32,000 है ना, कोई डाउट नहीं, मैथमेटिक ठीक है। 32,000 रुपये 1 दिन में बचेंगे, तो 30 दिन में 3×9 3×2×6 कितना हुआ, 9,60,000। टेंशन क्या, गलत होगा तो कौन लेना देना। तो साल में 12×9=108, 12×6=72, ओहो कितना हो गया जाकर, 1,108, 8×7=15 रुपया हो गया। तो 1-1 रोटी कम कर दोगे तो ये कुंभ मेला जो सिंहस्थ होना ना है, ये तो तुम ही लोगों से हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तुम इतने दयालु हो कि 1 रोटी और ज्यादा खा लेते हो तो कुंभ का भट्ठा बैठ जाएगा। कम खाना और नशा बिल्कुल मत करना कतई। आज मुझे तुम अपना नशा दान कर दो, व्यसन दान कर दो, ताश खेलने की आदत दान कर दो, जुआ खेलने का आदत दान कर दो, शराब पीने की आदत दान कर दो, तो मैं गारंटी के साथ कहूंगा तुम्हारा घर माला माल हो जाएगा, लक्ष्मी भरी रहेगी। अतिनिद्रा तंद्रा भयम क्रोधम, तीसरी चीज भय, जिसका डरपोक स्वभाव है, जहां देखो वहां झुके झुके चलता, टेढ़े टेढ़े जा रहा, डर के मारे, न कोई गलती किया न अपराध किया फिर भी डरा हुआ है। तो मैं पूछता क्यों डरे हो, बोले डर है इसलिए डरे हैं। तो किस बात का डर है, बोले डर कभी जाता ही नहीं, बिना बात का डर है। इतना डर, फालतू डर, फालतू डरना भी नहीं चाहिए और उदंड भी नहीं होना चाहिए।
निडर इतने बनो कि सिंह के सामने भी डर न लगे, और नम्र इतने बनो कि सियार को भी नमस्कार करने में संकोच न लगे, संकोच न लगे। जैसे मैं सबको नमस्कार कर लेता हूँ, रिक्शा चलाने वाले भी नमस्कार कर लेता हूँ, कभी कभी मिल जाते ना रोड पे, तो मैं उसकी तरफ गौर से देखता हूँ और थोड़ा मुस्कुराता हूँ और हाथ जोड़ता हूँ नमस्कार, तो रिक्शा साइड में कर लेता, बोले आप निकालो पहले। मैंने कहा बस यही चाहते थे नमस्कार सिर्फ इसीलिए थी कि रास्ता दे दो, नहीं रिक्शा का धुरा मेरी गाड़ी में छील दोगे तुम यार। ट्रक वालों को भी नमस्कार कर लेता हूँ, नमस्कार बहुत बड़ी चीज है, जिसमें नमस्कार करने की कला है, चरण छूने की कला है, वंदन करने की कला है, उसकी आधी सफलता तो इसी में हो जाती है, आधी के लिए कुछ और करना पड़ेगा। नमस्कार। तो निडर रहो, डरो मत, प्रेम से कार्य करो, निर्भय होकर कार्य करो। कितने लोग कार्य करने में डरते हैं, चाय बनाते हैं उसमें डरते हैं, फिर चाय कप में डालते हैं तो डरते डरते डालते तो अलग ही पड़ जाती है। कितने लोग कोई सामान उठाते हैं डर के उठाते तो जरूर गिर जाता है, टूट जाता है। फालतू डर भी मत रखो, गाड़ी चलाते हैं डरे डरे, डर के चलाओगे जरूर लड़ जाएगी, निडर चलाओ लेकिन थोड़ा मीडियम रेस में चलाओ। कितने लोग गाड़ी तो ऐसी चलाते हैं कि सामने अगर भगवान पड़ जाए तो उसको भी रौंद डालेंगे, बड़बड़ बड़बड़, न जाने कौन उनको रपटाया है। शांति से गाड़ी चलाओ, जिसमें मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और महाराष्ट्र में और हरियाणा में, चार प्रदेशों में तो इतनी फास्ट ड्राइविंग है कि जब मैं देखता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ कि कोई कनक भूधरा कार आ रहा है, बचो, भर 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 भर। शांति से जीना है। घर वाले तुम्हारी कितनी आस रखे हैं, तुम्हारी पत्नियां हर समय समझाती हैं, डांटती हैं। एक प्रोफेसर मेरी गाड़ी चला रहा था गुजरात में, उसी गाड़ी में बैठ गया। हमारे संत लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते दूसरे गाड़ी में बैठो, बोले गाड़ी तो ठीक पर उसका गाड़ी चालक नहीं ठीक, तो निपटा देगा गुरुदेव। तो बैठा मैं, तो बोला झड़ 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 झड़। प्रोफेसर था, हमने कहा क्या क्या बात। मेरे साथ एक संत था मेरा ड्राइवर, वो भी बैठ, बोले चलना है तो झड़ 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 झड़। हमने कहा क्या मतलब, बोले फुल स्पीड। हमने कहा आप प्रोफेसर होकर इतना खतरनाक, बोले प्रोफेसर स्कूल में हूँ अभी ड्राइवर हूँ। तुमने कहा मैं उतरूँ अपनी गाड़ी में जाऊँ, बोले नहीं जो फाइनल होना इसी में हो जाएगा। 50 किलोमीटर मुझे ले गया, मैं बार बार उसको यही बोलता धीरे 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 रुको रुको रुको। चलाता वो था और फिक्र हमको थी, ऐसी गाड़ी मत चलाओ, धीरे गाड़ी हाँको मेरे गाड़ी वाले राम, गाड़ी में बैठे भी हैं राम। सही बात है, धीरे चलाना। आपकी माँ, आपके पिता, आपकी पत्नी, आपके बच्चे तुम्हारा सहारा मानकर जी रहे हैं, तुम कहीं लड़ जाओगे मर जाओगे तो इनका सबका सहारा टूट जाएगा। इसलिए अपने लिए नहीं तो इनको ख्याल करके थोड़ा शांति रखो। शराब पीकर गाड़ी मत चलाओ, तो क्या घर में बिस्तर पर लेट के शराब पियो, कभी पियो ही मत। पीना है तो सत्संग की शराब पियो। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी, और फकीरों की प्याली को पी ले जरा, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सारी जिंदगी सुधर जाएगी। भयम क्रोधम, और चौथा कारण मनुष्य के विकास में ब्रेकर है। विदुर जी कहते राजन, जिसको क्रोध बहुत आता है, गुस्सा, वह व्यक्ति भी उन्नति नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध के कारण उसके सहयोगी ही विरोधी बन जाते हैं। गम खा लो, जियो और जीने दो,
माफ कर दो उनको जो गलतियां करते हैं साथ में। क्षमा करना सीखो, कभी बेटे से गलती होगी, बहू से गलती होगी, अगर माफ ना कर सके तो ये परिवार बिखर जाएगा। क्षमा भी करो, इसलिए क्षमा करना बहुत बड़ा धर्म बताया गया। मनु जी ने मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए हैं, जिसमें क्षमा दूसरा धर्म बताया। धृतिश्चमा दमो अस्तयम शौचम इंद्री निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। पहला धर्म का लक्षण धैर्य है, जिसका धैर्य टूट गया उसका धर्म छूट जाता है, धैर्य टूटने ना पाए। सबके पास बहुत धैर्य होना चाहिए। और दूसरा लक्षण क्षमा, आपकी वाइफ से भी गलती हो जाए तो उसे क्षमा करो। अभी एक सज्जन मुझे मिले, टीचर थे 5 साल पहले, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी में, बोले हमारे घर आओ ना। तो मैंने कहा जरूर आऊँगा। बोले जल्दी आओ। तो हमने कहा क्यों, इतना जल्दी क्या है, उधर निकलूँगा तो आ जाऊँगा। बोले नहीं, तब तक हम निपट जाएंगे। तो हमने कहा है क्या, बोले मेरी पत्नी कई कई बन गई है। तो हमने कहा क्या हुआ, अरे बोले 2 क्विंटल पिपरमिंट का तेल रखा था, वो मेरे से गिर गया, फूट गया, बह गया, तो गुरुदेव बहुत नुकसान हुआ है 4-5 लाख का। तो रोज़ रोज़ वो मुझे इंजेक्शन मारती है, कहती तुम मूर्ख हो, तुम टीचर नहीं हो, तुम तो बिल्कुल मूर्ख हो, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, और तुम्हारे जैसी खोपड़ी खाली है, इंग्लिश से काम थोड़े चलता है, ये हिंदी की बात थी, चूक गए। बोले बहुत उलझन मचाती है, तो मैं तो लगता है मर जाऊँगा। तो मैंने कहा मैं जल्दी आता हूँ, कल आता हूँ, आप तैयारी करो। तैयारी किया, बोले वाइफ को समझाना है। मैंने कहा सब करूँगा मैं। 1 घंटे वहाँ घर में सत्संग सुनाया, 10-5 लोग और थे, किसी का नाम नहीं लिया, इनडायरेक्ट में इंजेक्शन लगाया, फायदा कर गया। फिर मैं विदा हो गया तो उनका फोन आया कि पूरी राहत मिल गई है, आराम है। तो हमने कहा पत्नी समझ तो नहीं गई तुमने शिकायत किया। बोले समझ नहीं पाई, बड़ा सातिर दिमाग से समझाया आपने, उसको एहसास नहीं हुआ। किसी की गलती आप ऐसे ढंग से समझाइए कि उसको ये फील ना हो कि मेरी किसी ने शिकायत किया है, अन्यथा वो समझेगा तो नहीं, शिकायत हुई है इस बात से उलझ जाएगा। और याद रखना, कोई अगर तुम्हारी शिकायत भी करे और गलती हो तो शिकायत करने वाले को धन्यवाद देना, कम से कम शिकायत पहुंचा कर ही मेरा सुधार तुमने करवाया है, नाराज मत होना।